अमित भाई क्या हम माने कि अब एनआरसी नहीं हो रहा? उन्होंने कहा मैं कब कह रहा हूँ नहीं हो रहा, बोले मैं ये नहीं बता रहा कब होएगा। तो ये तो शब्दों के साथ खेलने वाली बात है। सीए को लाया ही एनआरसी की वजह से गया है। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि सीए पर आपकी क्या राय है। सीए बड़ा अजीब कानून है, सीए प्लस एनआरसी। ये कानून ये कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू, क्रिश्चियंस, बौद्ध यहाँ पे आएंगे उनको हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर एनआरसी ये कहता है कि सब लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जाएगा, सब लोगों को। आप क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए, तो एक एक को कहा जाएगा कि आप अपनी नागरिकता साबित कीजिए। तो आप आएंगे अपने कागज लेके, तो आप कहेंगे मेरे पास आधार कार्ड है, वो कहेंगे इसको नहीं मानते। आप कहेंगे मेरे पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी नहीं चलेगा। फिर आप पूछते हैं कि भाई क्या चलेगा, तो सरकार का ये कहना है कि केवल और केवल सरकार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र चलेगा। अगर आप, आपको अपना और अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। आपके पास है? मेरे पास तो है सर। है, आपके माँ बाप का भी है? अब वो मुझे चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपने अपना और अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दिया तो आपको नागरिक मान लिया जाएगा, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर आपने, आप अपना और अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए, क्रोनोलॉजी को समझिए थोड़ा, तो आप अगर मुसलमान हैं तो आपको कहा जाएगा देश छोड़ दीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पाकिस्तान से आए हैं। अगर आप कहेंगे हाँ आए हैं तो आपको देश की नागरिकता दे दी जाएगी। अगर आप हिंदू हैं और आप कहेंगे मैं पाकिस्तान से नहीं आया तो आपको भी देश छोड़ने के लिए कहा जाएगा। इसी पे सर दो बातें। तो ये एक तो ये कि कुछ लोगों में ये गलत फहमी है कि केवल मुसलमानों को देश छोड़ने को कहा जाएगा। इसमें जिन जिन हिंदुओं के पास कागज नहीं होंगे, जन्म प्रमाण पत्र अपना और अपने माँ बाप का, जिन जिन हिंदुओं के पास ये कागज नहीं होंगे और वो पाकिस्तान से नहीं आए होंगे, उनको सबको भी देश छोड़ने के लिए कहा जाएगा। एनआरसी पे गृह मंत्री तमाम मंचों से ये सफाई दे रहे हैं कि एनआरसी तो अभी देश भर में लागू नहीं हुआ, तो उसको लेकर भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है तमाम नेताओं की तरफ से। सीए की बात करें तो वो ये कह रहे हैं किसी की नागरिकता छीन नहीं रही है, दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो हुआ उस पर आज सुबह आपने भी ट्वीट किया, मंताना साहिब में आपने उसकी निंदा की है, तो इसी तरीके के प्रताड़ित लोगों को ही तो यहाँ पर नागरिकता दी जा रही है। आप ही के चैनल पे परसों मैं देख रहा था, वो आए हुए थे, उन्होंने, उनसे आपके जो एंकर थे उन्होंने तीन बार पूछा, तो अमित भाई क्या हम माने कि अब एनआरसी नहीं हो रहा? उन्होंने कहा मैं कब कह रहा हूँ नहीं हो रहा, बोले मैं ये नहीं बता रहा कब होएगा। तो ये तो शब्दों के साथ खेलने वाली बात है। सीए को लाया ही एनआरसी की वजह से गया है। सीए और एनआरसी मिलके जो एक स्थिति बनती है वो बड़ी भयानक स्थिति है। मेरा केवल इतना मानना है कि देश को इस किस्म के कानूनों की जरूरत नहीं है। देश में इस टाइम इतनी बेरोजगारी है, इतनी चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, इतनी महंगाई हो रही है, अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हुआ पड़ा है, इन सब लोगों के लिए अगर आप, बच्चों के लिए हमारे रोजगार का इंतजाम करें तो ये दुआएं देंगे आपको, वोट भी देंगे और दुआएं भी देंगे आपको। तो सीए की जरूरत नहीं है ये आप? मेरे हिसाब से तो इन दोनों कानूनों की जरूरत नहीं है, और इतना बखेड़ा खड़ा हो गया पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी बस थोड़ा सा रह गया उस दिन, उन्होंने कहा कि अभी तो हम एनआरसी की बात नहीं कर रहे, उनको बस ये कह देना चाहिए हम कभी एनआरसी की बात नहीं करेंगे, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तो जी ये प्रताड़ित हैं पाकिस्तान के जो सिख हैं, जिनको लेकर आपने भी ट्वीट किया, अगर वो चाहें कि वो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि यार हमारे देश के इतने करोड़ों हिंदू हैं जिनको रोटी नहीं मिल रही, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, जिनको कुछ नहीं मिल रहा, उनका तो ख्याल रख लो पहले। पहले हम अपने देश के सारे नागरिकों को नौकरी दे देते हैं, अपने देश के सारे लोगों को, फिर उधर से भी ले आएंगे। उधर से लगभग 4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इसमें क्वालिफाई होते हैं, इनमें से आधे लोग भी अगर भारत आ गए तो उनको कहाँ नौकरी दोगे?
दो करोड़ लोग अगर आ गए भारत के अंदर, उनको नौकरी कौन देगा उनको? और दूसरा ये बताओ कि पाकिस्तान से जो जो हिंदू आएगा, ये क्या गारंटी है कि पाकिस्तान वाले जासूसों को हिंदू के रूप में नहीं भेज देंगे यहाँ पे? वो भी तो हो सकता है। ये वैलिड क्वेश्चंस हैं। ये क्यों लाया गया, क्या इसका बखेड़ा, इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया पूरे देश के अंदर? मेरा अपना मानना है कि अपने देश में जितने लोग हैं उतने बहुत हैं। चलिए ना, सीए कमी नहीं है अपने देश में लोगों की, गलत तो नहीं कह रहा। 130 करोड़ लोग हैं, बताओ और लाके क्या करोगे इनको? तो अपने देश के लोगों को तो हम लोग नौकरी दे दें, घर दे दें, सबको अच्छी जिंदगी दे दें, स्वास्थ्य दे दें, शिक्षा दे दें, बहुत है।